दोस्तों 4,000 रुपए की रेंज से लेके 15,000-20,000 रुपए तक की रेंज के अंदर Xiaomi एक ऐसा ब्रांड है जो लगभग हर 1,000 रुपए में, मतलब कि 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 रुपए, हर 1,000 रुपए के ऊपर एक नया मॉडल जो है मार्केट के अंदर लेके आया हुआ है। और शायद यही वजह है कि मार्केट में एक लीडर है और नंबर वन मोबाइल ब्रांड बन चुका है मिड सेगमेंट के अंदर, खासकर क्योंकि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ी मार्केट है वो 5,000 से लेके 15,000-20,000 रुपए तक ही जाती है। 70% से भी ज्यादा फोन जो है वो इसी रेंज के अंदर बिकते हैं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है Xiaomi के 5 वो फोन जो आप अंडर 10,000 ले सकते हैं। हालांकि मैं 2 वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बेस्ट अंडर 20,000 होगा, तो दोनों वीडियोस आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट 10,000 से नीचे का है या 10,000 रुपए तक का है तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। दोस्तों मेरा नाम है संदीप और चैनल का नाम है टेक वानी। बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं, साथ ही मैं हर एक फोन के आपको प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता रहूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे कि ये फोन आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहला जो फोन है वो है Redmi Go जो आपको 4,500 रुपए का मिल जाएगा, 4,499 रुपए का। और इस फोन की अगर बात करें तो इसका स्पेशलाइजेशन जो है वो Android Oreo Go है। अब Android Oreo Go जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ज्यादातर जो एप्स है वो काफी आपको लाइट वर्जन के अंदर देखने को मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक ऐप जो है वो 100 MB की है जो कि नॉर्मल फोन के अंदर 100 MB, 150 MB तक जाती है, वो इस फोन के लिए, इस एडिशन के लिए जो ओरियो गो एडिशन है, लाइट एडिशन है, इसमें 1 या 1.5 MB या ज्यादा से ज्यादा करें तो 4-5 MB तक में आ जाती है लगभग ऑलमोस्ट वही फीचर्स के साथ। तो ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि इसके अंदर स्टोरेज और रैम थोड़ी सी कम है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5 इंच की जो है HD स्क्रीन देखने को मिलेगी, साथ ही आपको 1 GB की रैम और 8 GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। दोस्तों प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसके अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 425 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है जो कि 1.4 GHz की फ्रिक्वेंसी पर चलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और कैमरे की अगर बात करें तो 8 MP का आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 5 MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों ही कैमरा की परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस है 4,500 रुपए में। अगर आप मैं बोलूं तो अच्छी परफॉर्मेंस ही बोल देंगे क्योंकि प्राइस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए 8 MP और 5 MP की जो दोनों कैमरे हैं वो अच्छी आउटपुट आपको दे देते हैं। तो अगर आप बजट आपका 4,500 रुपए मतलब 4,000 की रेंज में है तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। 3,000 mAh की बैटरी इस अंदर आपको देखने को मिलेगी जो आपका एक दिन आराम से निकाल देगी। 5,000 से नीचे का बजट है, Xiaomi का फोन चाहिए तो Redmi Go के लिए आप जा सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। दूसरे फोन की अगर हम बात करते हैं तो वो है Redmi का 6A और ये Helio के A22 प्रोसेसर के ऊपर चलता है। जो प्रोसेसर है वो काफी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं रेंज की बात करूँ 5,999 रुपए, उसके अंदर आपको 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज देखने को मिलती है। तो अगर आप 1,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं, Redmi Go पे नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको 2 GB रैम और 16 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसका एक वेरिएंट और है जो 500 रुपए एक्स्ट्रा देके 6,499 रुपए के अंदर 2 GB रैम और 32 GB की स्टोरेज आपको देता है, तो उसमें स्टोरेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। डेफिनेटली इन दोनों में से अगर किसी एक पे जाना हो तो डेफिनेटली मैं 6,500 रुपए वाले मॉडल के लिए जाऊंगा, क्योंकि मुझे 32 GB की स्टोरेज मिलती है। आजकल फ़ोन के अंदर ऐप्स वगैरह या फोटोज वगैरह गैलरी में काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे हो जाते हैं कि बहुत जल्दी जो है स्टोरेज बढ़ जाती है। और MIUI 10 जो है वो भी अपनी स्पेस लेता है, जो एंड्रॉयड है वो भी अपना स्पेस लेता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेस के बाद काफ़ी कम स्पेस हमारे को देखने को मिलता है। ऐसे में डेफिनेटली 32 GB की स्टोरेज आपके लिए काफ़ी एडवांटेज आपको दे सकती है अगर 500 रुपये का आपका एक्स्ट्रा बजट है। बात कर लेते हैं बाकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो इसके अंदर आपको 5.45 इंचेस की HD प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा जो कि F2.2 के अपर्चर पे चलता है। ये आपको एक अच्छी खासी इमेज निकाल के दे देगा। 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो फेस अनलॉक के भी काम आता है। 3,000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी और 5 वोल्ट और 1 एम्पेयर का आपको स्टैंडर्ड चार्जर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों प्रोज की अगर बात करें तो 6,000 रुपए के अंदर एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और कौन सी अगर बात करें तो मुझे इसका चार्जर जो है वो काफ़ी स्लो लगा। सिर्फ 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का चार्जर है तो काफ़ी स्लो ये चार्जिंग करने वाला है। ऊपर से 3,000 mAh की बैटरी है जो अपने आप में थोड़ी सी कम है। आजकल ऐसे कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में आ गए हैं जो इससे अच्छी जो है आपको वैल्यू दे रहे हैं। मैं क्योंकि अभी दूसरे फ़ोन के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप बोलेंगे तो मैं कंपेयर करके आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि Redmi 6A के मुकाबले में कौन से ऐसे फ़ोन है जिनको आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको Redmi का फ़ोन ही लेना है और 6,000 के आसपास की आपकी रेंज है तो इस फ़ोन के लिए आप जा सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब कि जाचा परखा फ़ोन है, क्योंकि मैंने खुद ये 1 साल के आसपास इस्तेमाल करा है और मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इस फ़ोन की परफॉर्मेंस से। काफ़ी सॉलिड फ़ोन है। और दोस्तों लिस्ट में अगर अगले फ़ोन की बात करें तो वो है Redmi का 7। ये जो अभी नया प्लेटफॉर्म जो बन के आया है Redmi का, जिसके अंदर डॉट नॉच डिस्प्ले आ रहा है, गोरिल्ला ग्लास 5 आ रहा है और काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स देखने को हमारे को मिल रहे हैं, तो Redmi ने अपना थोड़ा स्टाइल अब चेंज कर दिया है। गुड लुकिंग फ़ोन इसके आने लगे हैं।
तो ये उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना है। 6.3 इंचेस की आपको HD प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। दो वेरिएंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एक 7999 रुपए का और एक 8999 रुपए का। जो 7999 रुपए वाला मॉडल है उसके अंदर आपको 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, और 8999 रुपए वाले मॉडल के अंदर आपको 3GB रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक बार अगर आप 8999 रुपए वाला मॉडल ले रहे हैं तो Realme का 3 जरूर कंपेयर कीजिएगा इससे। और अगर आप मुझे बोलते हैं तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा जिसके अंदर Redmi 7 और Realme 3 का इस मॉडल का मैं कंपैरिजन करके दिखा दूंगा, 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाला। प्रोसेसर की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 632 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जो कि 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना है, 1.8 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है, और Adreno का 506 का आपको GPU के अंदर देखने को मिल जाएगा। कैमरे की अगर बात करें तो 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। बुके इफेक्ट की बात करें तो ठीक ठाक बुके इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और 5V 2A का स्टैंडर्ड चार्जर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, 5V 2A का चार्जर यानी कि 10W का चार्जर आपको देखने को मिलता है, 4000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। IR ब्लास्टर, ये एक USP है Redmi के फोन्स की, क्योंकि IR ब्लास्टर जिस फोन में होता है उसे आप रिमोट की तरह यूज कर सकते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, जहां पर नॉर्मली 99% डिवाइस मैंने देखी है जो इससे चल जाती है, और काफी एडवांटेज ये आपको दे देता है एक रूम में बैठ के लगभग सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो मुझे हमेशा से USP लगी Redmi की। बाकी फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाएगा। इस फोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इंस्टेंटली मुझे टच करते ही फोन जो है वो अनलॉक हो जाता है। तो अगर आपका 7999 रुपये का बजट है तो आप इस फोन के लिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, 8999 रुपये के लिए आप Realme 3 के लिए एक बार जरूर देख लीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा, मुझे बोलेंगे तो मैं कंपैरिजन वीडियो बना दूंगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फोन की तरफ। और दोस्तों, जमाना चल रहा है सेल्फी सेंट्रिक फोन का, तो Redmi भी कैसे पीछे रहे। 10000 रुपये से भी नीचे की रेंज के अंदर 9999 रुपये के अंदर इन्होंने लॉन्च कर दिया है Redmi का Y3, जो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के साथ आपको मिल जाएगा। इसका जो अट्रैक्शन है वो है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का होना। 10000 से नीचे के प्राइस पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी का मिलना अपने आप में कमाल धमाल है, और काफ़ी अच्छी पिक्चर्स आपकी लेके दे देता है। नाइट मोड भी इसका काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप सेल्फी लेना पसंद करते हैं या सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो डेफिनेटली 10000 रुपए से नीचे की रेंज में ये फोन आपके लिए है। बाकी इसके अंदर आपको Qualcomm Snapdragon का 632 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपकी ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको दे देगा। 6.26 इंचेस की आपको HD प्लस स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जो कि प्रोटेक्टेड है Gorilla Glass 5 के साथ, और जैसा कि मैंने आपको बताया 32 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ आपको देखने को मिलता है रियर में 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे, 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। दोस्तों, एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूँ, जो रैम है इसके अंदर वो LPDDR3 की है, जो 933 MHz के ऊपर चलती है। मेरी उम्मीद ये थी कि LPDDR4 की रैम मुझे देखने को मिलती 10000 रुपये की अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि DDR3 और DDR4 की फ्रीक्वेंसी में काफ़ी फ़र्क होता है और DDR4 की जो रैम होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। हालांकि जो मैं अगला मॉडल आपको बताने वाला हूँ वो सेम प्राइस में है, मतलब 9999, और उसके अंदर आपको LPDDR4 की रैम देखने को मिल जाती है। तो परफॉर्मेंस अगर आपको थोड़ी सी एनहांस चाहिए तो डेफिनेटली आप उस फोन के लिए जा सकते हैं, और वो है Redmi का Note 7। ये सिग्नेचर सीरीज है, Note 7 Pro दोनों ही मतलब काफी अच्छे फोन है। 10000 से नीचे की रेंज में अगर आप जाना चाहते हैं तो Note 7 आपको देखने को मिल जाता है। पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको LPDDR4 की 3GB की रैम देखने को मिलती है, साथ ही आपको 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। Qualcomm Snapdragon 660 का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, जो कि 2.2 GHz की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। साथ ही आपको Adreno का 512 का GPU देखने को मिल जाएगा, तो गेमिंग आपकी काफ़ी स्मूथ होने वाली है। 6.3 इंचेस की फुल HD प्लस स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल की आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा और 13 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, 4000 mAh की बैटरी का सपोर्ट है, जो एक दिन बड़े आराम से निकाल देगा, और ये टाइप सी के साथ आता है, मतलब जो USB है वो आपको टाइप सी देखने को मिलने वाली है। तो लेटेस्ट आपको चार्जिंग सिस्टम देखने को मिलने वाला है, 3.5 mm का जैक आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अच्छी बात ये है कि आपको वीडियो के अंदर EIS का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, तो आपकी वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, एक और बात जो मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी वो है नाइट मोड। अगर आपके पास ये फ़ोन है और उसके अंदर नाइट मोड नहीं है तो OTA अपडेट से आपको ये मिल जाएगा, और कमाल की पिक्चर्स आपकी आने वाली है नाइट पे भी। तो मतलब जब अंधेरा होता है उस टाइम पे काफ़ी अच्छी आपकी पिक्चर्स निकाल के दे देगा। साथ ही फेस अनलॉक का फीचर और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो वाकई में बहुत फास्ट है,
और डेफिनेटली ये पांच फोन जो मैंने आपको बताए हैं 4,500 रुपए की रेंज से लेके 10,000 रुपए तक की रेंज के लिए एक से कमाल धमाल फोन है। अगर आपका बजट इस बीच में वेरी करता है और आप रेडमी का फोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली इनमें से कोई भी फोन आप पसंद कर सकते हैं। काफी ट्रस्टेड ब्रांड है, डेफिनेटली आपको निराशा नहीं होगी और काफी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, ये थे वो पांच फोन मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक की रेंज के फोन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन को आप ब्लैक ग्रे जो भी है वो कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बोलो जय शाओमी बाबा, बोलो जय शाओमी बाबा। 5,000 से 15 कोई फोन तुमसे ना बच पाता। बोलो।